Hello, my dear kids. Welcome back. I'm Vandana and we are learning English reader of class 2 by Brain Root series. And here is a book, children. The name is Literary Journeys. Today we are going to start with chapter number 1, which is unit 1, Life Around Us. And the name of the chapter is The Little Seed. So children, it is a poem that we are going to learn. Let's start with the warming up exercise. So today we will learn to appreciate one of the gifts of nature. आज हम पढ़ेंगे एक नेचर के ऐसे गिफ्ट के बारे में जिसे हम क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, उसकी तारीफ करना शुरू कर देंगे. ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर अस. तो ये जो ट्रीज हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ये नेचर का गिफ्ट है हमारे लिए. Trees gave us a number of things. ये जो trees हैं हमें ये बहुत सारी चीज़ें देती हैं ना. क्या क्या देती हैं ये हमें? ये हमें देती हैं fruits, फिर हमें देता है wood, फिर flowers, और भी बहुत सारी medicines वगैरह सब कुछ हमें trees देते हैं. So do you know that a tree needs sunlight? क्या आपको पता है कि ट्री को सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है? उसके साथ उसे एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और सॉइल भी चाहिए, तभी तो वो ग्रो करेगा. सो टू ग्रो अ ट्री नीड्स ऑल दीज थिंग्स एंड रिमेन हेल्दी. अगर ये सारी चीज़ें हम पेड़ों को देते हैं तो क्या होगा? ट्री जो है बहुत जल्दी बड़े बड़े हो जाएंगे और वो हेल्दी रहेंगे. So, let's sing a song about planting a tree. तो चलिए पढ़ते हैं एक song जो कि trees को plant करने के लिए लिखा गया है. Read aloud the poem. So, we are going to read this poem and let's start. Put a little seed into the ground. Watch it grow the whole year round. So, what the poet is saying? Poet ने क्या कहा? कि put a little seed into the ground. हमें क्या करना है? एक छोटा सा सीड लेना है और उसे ग्राउंड में डाल देना है, मिट्टी में दबा देना है. Watch it grow the whole year round. और उसे पूरे साल धीरे 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 बड़ा होता देखना है. First you will see the shoot sprout. सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो ट्री है, जो प्लांट है, उस सीड में से एक शूट निकल रहा है. एंड देन द स्टेम ग्रोस टॉल एंड स्टाउट. और फिर उसके जो स्टेम है वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं और वो जो ट्री है वो टॉल ग्रो हो जाएगा और स्टाउट मीन्स मोटा ग्रो हो जाएगा. सो द पोएट इज सेइंग फर्स्ट यू विल सी द शूट और So the poet is saying, first you will see the shoot sprout, then the stem grows tall and stout. तो पहले शूट दिखेगा, उसके बाद वो पेड़ बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा. The sun and the rain. अब यहाँ पे poet sun और rain की बात कर रहे हैं कि the sun and the rain will make it strong. And soon the roots grow deep and long. अब poet क्या कहते हैं कि धीरे धीरे जब सूरज की रोशनी उसे मिलेगी, उसे पानी मिलेगा, तो क्या होगा? वो पेड़ बड़ा होता जाएगा, strong होता जाएगा. And soon उसके जो roots हैं, उसके जो जड़ें हैं, वो और गहरी होती जाएंगी और लंबी होती जाएंगी. Then the flowers begin to show and the juicy fruits will grow. अब poet कहते हैं कि धीरे धीरे जो वो पेड़ है वो क्योंकि बड़ा हो चुका है सूरज की रोशनी से, soil से, air से और rain से, तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो बड़ा हो चुका है. तो अब क्या होगा उसमें? अब धीरे धीरे छोटे छोटे flowers आएंगे और वो flower बड़े हो जाएंगे, फिर उसमें से एक फ्रूट निकलेगा जो बहुत ज़्यादा जूसी होगा, तो उस पेड़ में से जूसी फ्रूट्स निकलेंगे. लेट्स एन्जॉय द फ्रूट्स दैट ग्रोन फ्रॉम द लिटिल सीड यू हैव सोन. सो अब पोएट क्या कहते हैं कि चलिए जल्दी से एन्जॉय करते हैं
उस फ्रूट को जो उस पेड़ पे ग्रो कर रहा है, जो उस पेड़ पे लगा हुआ है। और हमने क्या किया, फ्रॉम द लिटिल सीड दैट यू हैव सोन, हमने इस छोटे से बीज को लगाया था, धीरे 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 वो बड़ा होते 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 वो एक बड़ा पेड़ बन गया और उस पेड़ में अब फ्रूट्स आ रहे हैं। अब मैं उस फ्रूट्स को खाऊंगा और क्या होगा, फिर उस फ्रूट में से सीड निकलेंगे और फिर से उसे मैं सो कर दूंगा। सो इजंट इट अमेजिंग चिल्ड्रेन। नाउ आई होप आपको ये पोएम समझ में आएगी। चलिए जल्दी से लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी विच इज योर वर्ड मीनिंग। सो फर्स्ट वर्ड ओवर हियर इज शूट। शूट हमारा पहला वर्ड है एंड इट इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट कम्स अप अबव द ग्राउंड व्हेन इट बिगिंस टू ग्रो। तो आपने देखा होगा कि जो प्लांट होता है उसके जो है ये है हमारा सॉइल। तो सॉइल के नीचे होते हैं प्लांट के बहुत सारे रूट्स। तो ये जो सिस्टम है जो मिट्टी के अंदर है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं और जो मिट्टी से ऊपर जो प्लांट है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। तो ये जो मिट्टी से ऊपर का पार्ट है अबव द ग्राउंड उसे हम शूट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लिटिल। लिटिल मीन्स छोटा, स्मॉल। फिर आता है वॉच। वॉच मतलब देखना, लुक। नेक्स्ट इज स्प्राउट, बिगिन टू ग्रो। तो मम्मी आपके घर में जब कभी भी मूंग दाल या फिर चने को रख देती है भिगा के काफी दिनों तक, दो तीन दिनों तक, तो उसमें से आप देख सकते हो स्प्राउट निकलता है। तो स्प्राउट का मतलब होता है कोई चीज बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। स्टाउट मीन्स स्ट्रांग एंड थिक, मजबूत होना, मोटा होना। एंड सोन मीन्स सीड दैट वॉज प्लांटेड इन द ग्राउंड। सोन का मतलब होता है किसी चीज को बो देना, मिट्टी के अंदर दबा देना, उसे सो करना कहते हैं। नेक्स्ट इज होल। होल का मतलब होता है पूरा। एंड एंजॉय का मतलब है हैविंग फन, मस्ती करना। सो दीज वर द वर्ड मीनिंग चिल्ड्रेन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज। सो हियर लेट्स मूव ऑन टू कॉम्प्रिहेंशन। द फर्स्ट पार्ट मीन्स ए पार्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। So open multiple choice questions in your book and let's move on to the first question. So the first question over here is the little seed is to be put into the, जो छोटा सा जो seed था उसे कहाँ रखना था हमें, soil में, ground, well या फिर या फिर वाटर में। तो उस छोटे से सीड को हमें कहाँ रखना था, सो द करेक्ट आंसर इज ग्राउंड। नेक्स्ट व्हाट विल स्प्राउट फर्स्ट, पहले क्या निकलेगा उस सीड में से, रूट, शूट, ब्रांच या फिर लीव्स। सो अ स्मॉल शूट विथ विल स्प्राउट फर्स्ट। सो नाउ चिल्ड्रन दिस थर्ड क्वेश्चन डू इट योरसेल्फ, फाइंड आउट। क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल मेक द सीड स्ट्रॉन्ग, क्या उस सीड को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, सॉइल एंड इंसेक्ट्स बनाएंगे, इंसेक्ट और बोर्ड बनाएंगे, सन और रेन बनाएंगे या फिर रेन और लीव्स बनाएंगे। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर चिल्ड्रेन, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिल इन द ब्लैंक्स Using help box. So, आप देख सकते हो आपके पास एक help box है, इसमें से हमें सही answer को fill करना है in blanks में। So, then the dash began to show. So, children, the first one is then the dash began to show. तो here we can see the flower began to show. Next, and the dash fruit will grow. Which fruit will grow? Juicy fruit. Next question is, let's enjoy the fruits. That is, चलो fruits को enjoy करते हैं. Fruits कैसे हैं? Let's enjoy the fruits that is
grown. तो चलो उस फ्रूट को enjoy करते हैं जो उस पेड़ में आए हैं. From the little seed you have sown. तो अब यहाँ पे आएगा sown. तो जो little seed हमने sow किया था उसमें से वो पेड़ निकला है और उसमें fruits आ रहे हैं. So this was your fill in the blanks, children. You have to complete it. Now let's move on to answer the following questions, which is your C exercise. First question is, where does the poet ask us to put the little seed? So the poet, हम यहाँ से लिखेंगे, the poet asks us to put the little seed in the ground. Next, how does the stem grow? The stem sprouts. Next, what will make the seed strong? So seed will be strong by sun, rain, air, so and other things can be mentioned here. Whatever you think, it can be soil. Next, how will the roots grow? And what can you enjoy? So these two questions, you have to do it yourself. And now children, with this, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.